चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अजी ये दोनों किसी काम के नहीं है। कितनी मुश्किलों से हमने जग्गू दादा से ताल्लुकात ठीक किए थे और इन दोनों ने उसकी दुकान भी लूट ली। बेशर्मो, तुम लोगों को होश नहीं आया, शर्म नहीं आई बगैर तो? जग्गू दादा ने मुझे अपनी बहन बनाया हुआ है। हाँ जी, मुझे बहन बनाया हुआ था, मेरी वजह से बिठाया था दुकान पे इन्हें, और इन लोगों ने मुफ्त में लोगों को राशन बांटना शुरू कर दिया। अरे इसमें मेरा क्या कसूर था भाई? इसने जग्गू के मंगेतर को मुफ्त सामान दिया था। अरे महमूद साहब, तो मैंने कौन सा अपने लिए दिया था? आप ही ने कहा था कि जग्गू के मंगेतर को मुफ्त सामान देना क्योंकि मुझे पसंद आ गई है। घटिया आदमी, अपनी टोपी मेरे सर पे डाल रहे हो। कौन सी पूरी आ रही है, इतना बड़ा सिर है आपका? ओए खबरदार, जो तूने मेरे मियां पे इल्जाम लगाया हो। मेरा मियाँ बड़ा वो है। वो क्या? वो जो घोड़े होते हैं। वो? तुमने मुझे घोड़ा कहा? नहीं जी, वो जो घोड़ा होता है ना, वो घोड़ा क्या होता है भाई? घोड़ा जानवर होता है यार। मैं तुमने मुझे जानवर कहा है मोमो? नबील, तुम्हें शर्म भी नहीं आई अपनी बीवी से बेवफाई करते हुए? हाँ बेवफाई, वफादार। मेरा मियाँ ना बड़ा वफादार है। नबील, वैसे माँ जी ठीक ही कह रही है, तुम ही चीप हो। खूबसूरत तमीज से बात करो। महमूद साहब, ये दोनों मुझे जलील कर रही हैं और आप चुपचाप बैठे हैं यार। तो क्या मैं भी करूं? ओ नहीं। अरे तो मैं क्या करूं? तो भाई चले ना, बाहर चलते हैं। अगर जलील ही होना तो बाहर जाके हो जाते हैं। हाँ वैसे ये भी है। चले यार महमूद साहब, मुझे इस घर में घुटन हो रही है। बोलो, तुम्हें इस घर में हो रही है वो घुटन है? हाँ जी। अच्छा जी, चले जी। यार नबील, वैसे ये खूबसूरत को ना तुमने बहुत ही सर पे चढ़ा लिया यार, बहुत बेइज्जती करने लगी है वो तुम्हारी। महमूद साहब, एक बार मेरे पास पैसे आने दे, देखिएगा कैसे धक्के मार के घर से निकालूंगा। खूबसूरत को? नहीं आपको। है? हाँ, ताकि खूबसूरत जब भी मेरी बेइज्जती करे आगे से मुझे कोई ताने देने वाला ना हो। ओए बगैर तो जाए महमूद साहब, जग्गू दादा आपको बुला रहा है। ओए मैं तुम दोनों को बुला रहा हूँ, इधर आओ। जग्गू दादा। ओए तुम लोगों ने क्या समझा था कि इतनी आसानी से जग्गू दादा तुम्हें माफ कर देगा? यार महमूद साहब, आपने अभी तक जग्गू दादा से माफी नहीं मांगी, पकड़े इनके पाओ। यार जग्गू दादा, आपने इतनी कुट लगा तो ली थी मेरी, अब क्या जान लेंगे? ओए मेरा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। कोई बात नहीं जग्गू दादा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ये आदमी आपके सामने खड़ा है, फिर कुट लगा ले, लेकिन प्लीज प्लीज अपना गुस्सा ठंडा कर ले। क्या कह रहे हो नबील? ओए तुम लोग बहुत बेशरम हो, मार खाने से तुम नहीं सुधरोगे, इसलिए मैंने फैसला किया है। क्या आप हमें माफ कर देंगे? नहीं। फिर तुम लोगों की सजा है, जब भी तुम इस गली से गुजरोगे तो मेरे पास आकर मुर्गा बनोगे। ओए चल मुर्गा बन। कैसी बातें कर रहे हैं जग्गू दादा, इतने अरसे बाद तो महमूद साहब इंसान बने, आप फिर मुर्गा बना रहे हैं? ओए मैं तुम दोनों को बोल रहा हूँ, चलो मुर्गा बनो। हमें मुर्गा बनना नहीं आता जग्गू दादा, सिर्फ बनाना आता है और वो भी पेंसिल से। अबे सालो, तुम लोगों को मुर्गा बनना नहीं आता? चलो। नहीं जग्गू दादा, कैसे बनते हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें बन के दिखाता हूँ, अच्छी तरह देख लेना, फिर नहीं बन के दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है। और पहले दोनों इस तरह पाँव खोल ले, फिर दोनों हाथ टांगों के नीचे से ले जाके कान पकड़ने हैं, फिर और फिर जोर से अजान दो। अजान कैसे देनी है जग्गू दादा? कुकड़ू कुकड़ू फ्री। ओए कमबख्तो इजी तो कह दो, ओए इजी कह दो कमबख्तो इजी। अबे कहां भाग गए हो बुसलो, कहां भाग गए हो, इधर आओ। यार नबील, हमारी भी क्या जिंदगी है यार, हम घर में भी जलील होते हैं और बाहर भी। महमूद साहब, ये तुम्हारा इतना सांस क्यों फूल रहा है? ओ यार महमूद साहब, मेरा सांस नहीं फूल रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। वो जो तुम्हें आ रहा है वो गुस्सा है? हाँ जी महमूद साहब, इससे पहले कि मैं जग्गू दादा का खून कर दूं, मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला के ठंडा करें। अरे सुनो तो। अरे हाँ भाई उबैद खान, चल भाई जल्दी से बोतल खोल।
नहीं भाई नहीं, मैं दिन में बोतल नहीं खोलता, वैसे भी दो दफा छापा पड़ चुका है। यार कोल्ड ड्रिंक मांग रहे, जल्दी से दे, वो भी ठंडी। ओ भाई कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, चलो। यार महमूद साहब ये समझ रहे हैं हम उधार मांग रहे हैं, ओ भाई पैसे देंगे तुझे और वो भी कैश। निकाले महमूद साहब। हाँ यार इज्जत का सवाल है, निकाले। ओ भाई जग्गू दादा ने तुम लोगों को कोई भी चीज देने से मना किया हुआ है, चलो निकलो अब यहाँ से। जग्गू दादा ने मना किया? हाँ जग्गू की ऐसी की तैसी, वो कौन होता है हमें मना करने वाला। अरे जग्गू की इतनी हिम्मत? मामू साहब वो हमारी शराफत का फायदा उठा रहा है, जानता नहीं अगर मुझे गुस्सा आ गया आप तो जानते हैं कि मैं फिर अपनी भी नहीं सुनता। वे जग्गू दादा किया जग्गू भागा। मैं तो आप लोग फिर कुट खा कर आ गए। नहीं तो फिर आप लोग रो क्यों रहे हैं? वो जग्गू दादा हमें मुर्गा बना रहा था। लो मुर्गा बना के क्या फायदा होना था उसे, उसको कहना था मुर्गी बनाए, कम से कम उसको अंडा तो मिल जाना था ना। अरे तुम तो चुप करो। जानू जग्गू दादा ने तमाम दुकानदारों का हमें राशन देने से मना कर दिया है। क्या? अब हम पैसे भी देंगे ना तो मोहल्ले में कोई राशन नहीं देगा हमें। वैसे वैसे आए, बस इस घर में यही होना बाकी रह गया था, पहले एक वक्त का खाना बनता था, अब तो लगता है फाके होंगे यहाँ पे। जानू इसमें हमारा क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है मंसूर, तुम जैसे हट हरामों के साथ रहने से बहुत बेहतर था कि हम दोनों बेवा ही रहते। क्या रुपया कुंवारी माँ जी? हाँ क्या कुंवारी? अरे तुम हमें क्यों सुना रही हो, अगर इतनी हिम्मत है तो जाके जग्गू दादा से खुद पूछो ना। चुप। जानू मेरी बात सुनो। शट अप नबील। ओके जानू। यार नबील अब हम क्या करें यार? यार मैं उसको वही करेंगे ना जो अली इमरान ने स्क्रिप्ट में लिखा होगा यार। अरे तो आगे क्या लिखा है उसने? यार नबील शेर खान का फोन आ रहा है। मुझे लगता है महमूद साहब अली ने शेर खान की एंट्री लिख दी है, चेक करें। हेलो यारा महमूद तुम किधर है? हम तुम्हारा घर पर गया था तो वहाँ पर तो ताला है। यार शेर खान हमने जवेद साहब वाली लोकेशन छोड़ दी है यार। वो क्यों यार? मत पूछ शेर खान, बहुत बुरे हाल में हम कंगाल हो गए। यार महमूद जानी तुम रो मत, हम है ना, तुम हमारे को अपना नया वाला एड्रेस दो, हम आ भी आते हैं। मालिक MTP कॉलोनी, जग्गू दादा का मोहल्ला, बुलबुले की नई लोकेशन, कच्ची आबादी कराची। ओके फिर हमें भी पहुंचते हैं। शेर खान का फोन था नबील। क्या कह रहा था? वो आ रहा है। वेरी गुड। अरे तुम खुश हो रहे हो? हाँ महमूद साहब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। क्या मतलब? महमूद साहब हमने शेर खान के सामने अपनी गुर्बत के इतने रोने रोने हैं कि वो हम पे तरस खाएगा और कुछ ना कुछ पैसे देकर जाएगा। अरे हाँ कुछ नहीं तो वो कम से कम एक महीने का घर का राशन तो डलवा ही देगा ना। अरे ये चीज मेरे अजीज आए खूबसूरत और मां जी को ये खुशखबरी सुना दे। मामा 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 शेर आ रहा है। मुझे नहीं सुनना। अरे सुन तो लो, शेर आ रहा है भाई। अच्छा सुनाए किसका है? क्या शेर? अरे वो वाला शेर नहीं, शेर शेर खान मेरा दोस्त, वो आ रहा है। क्या? हाँ जानू। अरे यार यहाँ हमारे खाने के पैसे नहीं है और महमूद साहब आप अपने दोस्तों को बुला रहे हैं। हाँ जानू इसीलिए तो बुला रहे हैं कि हमारे खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। क्या? हाँ जानू हम शेर खान के सामने अपने आप को गरीब साबित करेंगे, जितने हैं उससे भी ज्यादा। उससे क्या होगा? उसे हम पे तरस आएगा और वो हमारी मदद करेगा। नबील वो महमूद साहब का दोस्त है, हमारी मदद कर ही ना दे। अरे तुम शेर खान को हल्का मत लो, 5-6 लाख रुपए तो वो जेब में लेके घूमता है। जेब नहीं भरती उसकी। हाँ तो हम उसकी जेब काट लेते हैं, कैसा बच्चू? उसकी जरूरत ही नहीं है माँ जी, हमें बस ऐसा कोई गेम करना है कि शेर खान जो है वो इमोशनल होके हमारी मदद करे। शर्म आनी चाहिए नबील, इससे तो बेहतर है कि तुम सड़क पर खड़े हो के भीख मांग लो। नहीं जानू उससे बेहतर यही है, क्यों मामू साहब? हाँ हाँ। ना तो वो गीदड़ का मार है। गीदड़ नहीं शेर, बस अभी आता ही होगा। आराम से भाई आराम से, कौन है, दरवाजा किसी वक्त भी गिर सकता है। हाँ भैया ईंटों पे रखा है, जरा हौला हाथ रखो। शेर खान वो ये रमी मुझे यार, तुमने ये क्या हाल बना रखे और तुम कब से नहीं नहाए? कासम जब से नहाने का साबुन खत्म हुआ है अब तो हम मुंह भी मिट्टी से धोते हैं। और सोचे महमूद साहब के मुंह पे कितने मिट्टी लगती है, कई ट्रक मंगवाने पड़ते हैं। और यार खुदा का वास्ता कासम चश्मा तो उतारे, ऐसे लगता है अब हमारे हालात वेल्ड करने आए हैं। यार वो कैसे उतारे, हमने इमेज जो फिक्स लिए। हाँ हाँ उतारे यार, वो याद खान से लिया होगा ना आपने। वो तुम कहते हैं तो फिर उतार देते। वैसे यार एक बात तो बताओ,
तुम लोगों का ये हालत कैसे हो गया? आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी? वो नहीं यार, हमसे मिस हो गया था, तभी तो रेटिंग कम आई है। अच्छा, अब आपसे क्या छुपाना खान साहब, बिजनेस में लॉस हो गया था, हम लोग सड़क पे आ गए। वो तुम्हारा कौन सा बिजनेस था यार? ओ यार, आप अंदर तो आए ना, वो भी सोच ही रहे। यार इतना छोटा घर में तुम सब लोग कैसे आते हैं? बस यार ठुस ठुसा के आ ही जाते हैं। मैं मुंह सब कैसी बातें निकाल रहे हैं। ये भाभी क्यों रो रहा है? खैर और नहीं तो और क्या करूं, 30 दिन से कुछ नहीं खाया। 30 दिन से? मामा जी, तीन दिन। हाँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या कर रही हो मामा? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मेरे दोस्त के सामने मेरी गुर्बत का पता ना चले। अरे कुछ तो भरम रख लो। सफेद पोशी कैसे बात कर रहा है? उद्योग से छुपाया, क्यों नहीं खाया 3 दिन से तुमने? खाना क्या बताया खान साहब, घर में राशन नहीं है और मोहल्ले वालों ने उधार देना बंद कर दिया। फाके और ए फाके। तो फिर बच्चे लोग क्या कर रहे? हाँ, उनको तो मैंने ना बासी रोटी पानी में डबो डबो के खिला के अब सुला दिया। आदमखोर भाई। शेर मोमो शेर। हाँ तो शेर भी तो आदमखोर होता है ना। देखा देखा शेर खान, गुर्बत ने मेरी बीवी को पागल कर दिया। पागल माँ जी को गुर्बत का शदीद दौरा पड़ गया है। महमूद साहब माँ जी को कमरे में ले जाए और पीछे की तस्वीर दिखा के नॉर्मल करे। चलो मामा, ले जाए मेरी माँ को ले जाए। शेर खान भाई आप सोफे पे बैठे। अच्छा ठीक, ये भी कुछ दिनों का मेहमान है। गुड, ये सोफे हमने बेच दिए ना। वो ये क्यों बेच दिए? बच्चों का दूध जो लाना था खान साहब। यार ये सब क्या हो रहा है इधर? चले छोड़े खान साहब, ये हमारा नसीब। आप ये बताए आप क्या लेंगे? वो खाना तो तुम्हारा घर में है नहीं, चलो हमको चाय पिला दो। आपको कैसे पता चला कि हमारे घर में चाय का सामान है? नहीं है तो फिर हमको पानी पिला दो। ये लो शेर खान, पानी पी लो। वो तुम्हारे पास गिलास भी नहीं है? नहीं, बेच डाले बर्तन भी खान साहब, बच्चों के पैंपर जो लाने थे। बस कर दो यार, शेर खान को रुलाएगा, हमसे तुम्हारा ये हालत देख नहीं जाता। चलो यार हमारे साथ चलो, अब तुमको राशन दिलाते हैं। कोई फायदा नहीं शेर खान, मोहल्ले के सारे दुकानदारों को जग्गू दादा ने राशन देने से मना कर दिया। वो कौन जग्गू दादा? इस मोहल्ले का बदमाश खान साहब। वो उसका ऐसी कथे सी, चलो हम तुमको राशन दिलाते हैं। माँ जी खाने का इंतजाम हो गया, रात में निहारी फोड़ेंगे। आइए खान साहब, चले महमूद साहब, चले महमूद साहब। महमूद तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमको हमको बताना तो चाहिए था। तुम तो जानते हो ना शेर खान के मैं कितना खुदगर्ज आदमी हूँ। खुदार। हाँ, अभी छोड़ ये सब कुछ यार, जो होना था उस पे मर्जी डालो। अभी चलो हम तुमको अच्छा राशन मशीन दिलाते हैं। मुझे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक? वो एक कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे को उसके 2-3 क्रेडिट दिलाएगा। सालो, मैंने तुम लोगों को मुर्गा बनने के लिए कहा था और तुम लोग मुझे ही मुर्गा बना के चले गए। गलती हो गई जग्गू दादा। ओए बन मुर्गा बनो। ओए तुम लोग ये क्या कर रहे? ओए तू भी बन मुर्गा चल। ओ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हम मेहमान है मेहमान। ओ तेरी ऐसी की तैसी, बन मुर्गा। वो तुमने पठान पर हाथ उठाया, हम तेरे गुस्सा नहीं छोड़ेगा। शेर खान ये क्या किया है तुमने? ये राम को क्या पता ये कैसे चल गया, ये तो प्लास्टिक है। ओ खान साहब गन प्लास्टिक की है, गोली तो असली होगी। ओ यार खान साहब आपने बंदा मार दिया। आप बंदे को गोली मारो। ओ गोली तो आपने मार दिया खान साहब। वो तो फिर भागो भागो। ओ मारी खान साहब ने चकू को मार डाला। नहीं, नहीं, नहीं। भाभी उधर हमने बंदा मार दिया।
तू तो अपनी हरकतों की वजह से फंसा है यार। हैं? क्या जरूरत थी तुझे गोली चलाने की? हमने सोचा था कि हम उसको नकली पिस्तौल से डराएगा, हमको क्या पता था कि गोली चल जाएगा। खासा अब आप नहीं बचेंगे, जग्गू दादा के साथ बड़े बड़े पुलिस वाले मिले हुए हैं, अब आपको फांसी से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मत बोले यार, हमारा तीन तीन बीवियों का क्या होएगा? अरे तू फिक्र ना कर शेर खान, तू मरने वाला है लेकिन तेरा भाई तो जिंदा है ना, मैं संभालूंगा उन्हें। ओए बकवास बंद करो, हमको किधर छुपाओ? अच्छा तू चलना मेरे साथ, मैं तुझे कमरे में छुपा देता हूँ। ठीक है, तुम हमारा आज रात का ट्रेन का टिकट कटाओ, हम पिशावर जाएगा आज। अच्छा ना ठीक है, आओ ना कुछ करते हैं, तुम अंदर आओ। चल जल्दी ले, चलो। चल पुत्र ये ठीक हो गया। ओ माँ जी, जग्गू दादा मर गया और आप कह रही हैं ठीक हो गया? हाँ ना पुत्र, अब तो मोहल्ले वाले हमें उधार देंगे, हमारा तो हो गया फायदा। हमारा फायदा? फायदा तो हमारा अब होगा माँ जी। महमूद साहब परेशान हैं। हाय हाय हाय, क्या हुआ है नबील? महमूद साहब, जग्गू दादा की मौत का फायदा उठाने का वक्त आ चुका है। वो कैसे आए? सारी जिंदगी लोगों को लूटने वाला खाली हाथ चला गया। उसके कफन दफन के लिए कुछ मदद कर दो जालिमों, मोहल्ले वालों, अब तुम लोगों को बत्ता भी नहीं देना पड़ेगा। भाई जल्दी करो, जल्दी करो, वरना जग्गू की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, वो मरने के बाद भी तुम्हें तंग करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ना ना मेरे बच्चे, ना सनी मेरे बच्चे, बहुत शुक्रिया बेटा, जीता रहे, अल्लाह तुझे और टी-शर्ट दे। आमीन। क्या कर रहे हो तुम लोग? यार महमूद साहब, ये कौन है? ये तो जग्गू दादा का पंटर है। भाई हम जग्गू दादा के स्वयं के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम धूमधाम से करेंगे जग्गू दादा का स्वयं। अबे जग्गू दादा तो जिंदा है क्या? हाँ, गोली उसके बाजू को छू के निकल गई है, अब पट्टी करवाने अस्पताल गए। महमूद साहब भाग ले। अरे अब क्यों भाग रहे हो, अब तो वो बच गया है। अबे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भाग ले, वो आके हमें नहीं छोड़ेगा। तो फिर भाग, भागे यार। यार नबील, अभी मौका है, जब तक जग्गू दादा अस्पताल से वापस नहीं आता ना, शेर खान को यहाँ से भगा देते हैं। महमूद साहब कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, यही तो वक्त है कमाई का। क्या मतलब? महमूद साहब, शेर खान को लग रहा है जग्गू मर गया है, तो हम शेर खान से कहते हैं कि जग्गू के लोग 5 लाख रुपया खून बहा में मांग रहे हैं। क्या? हाँ, कैसा आइडिया? और अगर जग्गू वापस आ गया तो? अरे वो अगर वापस आ भी गया तो हमें थोड़ा पकड़ेगा, गोली तो शेर खान ने चलाई थी महमूद साहब, हमारी तो हर तरह से बचत है। यार नबील, ये कुछ ज्यादा घटियापन नहीं हो जाएगा? हाँ महमूद साहब, हो तो जाएगा। आप ही शेर खान से पैसे पकड़ते हैं। कौन कौन है भाई? दरवाजा खोलो शेर खान, मैं हूँ महमूद। ओए महमूद। यार खान साहब आपने ये क्या कर दिया? ओ यार अब हमने क्या कर दिया? ओ यार जग्गू के आदमी तुम्हें ढूंढते फिर रहे, उनके सर पे खून सवार हुआ। हाँ जी मैंने देखा, 2-3 लोगों के सर पे सवार था। यार हमको बचा लो यार, हमको पिशावर भिजवा दो। अरे ऐसे कैसे भेज दें भाई, वो लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ओ यार कोई और तरीका निकालो ना यार। खान साहब जग्गू के आदमी बड़े असूल पसंद है, या तो वो खून का बदला खून मांगेंगे, या फिर मेरा ख्याल है 5 लाख रुपया मांगेंगे। यार हम 5 लाख रुपया दे देगा, आप हमको यहाँ से किसी तरह पिशावर के लिए निकालो। खान साहब ये तो आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अच्छा चले कुछ करते हैं। आप 5 लाख रुपया दें, हम ना जग्गू के लोगों के मुंह पे मार के आते हैं। क्यों महमूद साहब? वो जो जग्गू के लोगों के मुंह पर मारेंगे वो 5 लाख रुपए होंगे। हाँ जी आप निकालें जल्दी से पैसे। अच्छा देते हैं। हाँ जल्दी जल्दी निकालें, जग्गू के आदमी बड़े जालिम लोग हैं। निकालें निकालें। थैंक यू वेरी मच महमूद साहब, आज बड़े दिनों के बाद पेट भर के खाना खाएंगे। क्या मतलब? जग्गू के आदमी जग्गू बड़े दिनों के बाद पेट भर के खाना खाएंगे। आप दरवाजा लॉक कर लें। आए महमूद साहब।
माँ जी, जानू जानू माँ जी, माँ जी ये ले 10,000 रुपया माँ जी राशन डलवाए। और जानू 5,000 और 5,000 10,000 ये लो जानू बच्चों के दूध के लिए और चॉकलेट्स ले आ रहा। मेरा हिस्सा ओ मिल जाएगा यार। मामू साहब चलें पहले शेर खान के लिए बुरका खरीदे। ना बुरका किस लिए पुत्र? ओ माँ जी शेर खान को फरार भी तो करवाना है ना। वशे वशे चल 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 हम लोग आते हैं। हमको भूख लगा है कुछ खाने को दियो। ओए शाबाश है बगैरता, तेरी मौत सामने खड़ी है तो तेरा खाने का होंका नहीं जाता। अरे समझ बोलो भाभी, हमने तो खून बहा भी दे दिए। हां तो उसी के तो फ्रूट लेकर आई हूं। हां ओए नबीला, ओए महमूदा, ओ यार हमारा पेशावर का टिकट कटवा दे। अरे मुबारक हो शेर खान, मुबारक हो। क्या हो गया? तेरा पेशावर का टिकट आ गया है। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है यार। चल जल्दी से बैग पैक कर ले। ओए हमने भी अपना बैग खोले ही किधर था। अब आप पेशावर जाके खोलिएगा और मैं बुरका ले आया हूँ। भाभी के लिए? अरे नहीं तेरे लिए, तूने बुरका पहन के निकलना है यहाँ से। हम बुरका पहन के क्यों निकले? हमने तो खून बहा दे दिए। वो तो आपने जग्गू के आदमियों को दिया है ना। पुलिस से तो आपको छुप कर निकलना पड़ेगा। अच्छा अरे हाँ ना, अब ये ले ये पकड़ टिकट और ये बुरका। अरे जल्दी से जाके पहन अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। अच्छा ठीक है। मामू साहब पार्टी की तैयारी की जाए। माफ करना भाई। तुमको तो हमने गोली मारा था, तुम जिंदा है? अबे साले तू क्या समझता था कि जग्गू को गोली मारकर बुरके में छुपकर भाग जाएगा? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। ओए क्यों नहीं छोड़ेगा, हमने तो तुम्हारा खून बहा भी दे दिए। अबे कौन सा खून बहा साले? इसका मतलब है कि बुलबुले वाले ने हमको एक दफा फिर बेवकूफ बनाया। हम उसको छोड़ेगा नहीं। अबे तू क्या नहीं छोड़ेगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा इनको। आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ ऑन द बीच। शेर खान तुम वही, तुम हमारे को लूट कर हमारे पैसे से पार्टी कर रहे हैं जलील इंसान। अरे खान साहब आप भी आ जाए, आपके लिए हम रसवार वाला शरबत मंगवा लेते हैं। बात तो तुमने थोड़ा अच्छा की है लेकिन फिर भी हम तुम सबको गोली मारेगा। खान साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो पहले ही जग्गू को मार चुके हैं। पुत्र इसके मुंह को खून लग गया है। वो चुप है, वो जग्गू दादा जिंदा है, अभी हमको खुद बाहर मिला था। क्या? हम खून बहा दे चुका है, अब हम तुम्हारा खून बहाएगा। ओ महमूद साहब डरने की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक की पिस्तौल है। तुम शायद भूल गए खबीस, इसी प्लास्टिक के पिस्तौल से हमने जग्गू को गोली मारा था। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बन